हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ राधिका राठी आई वेलकम यू ऑन एनवीरा ऑनलाइन स्कूल टूडे वी विल स्टार्ट आवर सेवन चैप्टर फॉर क्लास फर्स्ट तो कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम आज सेवन चैप्टर फॉर क्लास फर्स्ट सो नेम ऑफ आवर सेवन चैप्टर इज प्लेसेस अराउंड अस अराउंड अस प्लेसेस मीन्स स्थान या जगह अराउंड मीन्स चारों तरफ अराउंड मीन्स चारों तरफ एंड अस मीन्स हमारे तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से स्थान होते हैं कौन कौन सी जगह होती है उन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ओके बच्चों लाइक एज मार्केट टेम्पल हॉस्पिटल ये सब हमारे आसपास के एरिया है यस सो स्टार्ट आवर दिस चैप्टर द एरिया अराउंड अस हैज मैनी इम्पोर्टेंट प्लेसेस द एरिया एरिया मीन्स जगह अराउंड हमारे चारों तरफ Many, बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण तो वह एरियाजा हमारे चारों तरफ बहुत महत्वपूर्ण जगह सम ऑफ दीज आर द मार्केट हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन एंड पार्क एंड स्कूल पोस्ट ऑफिस बैंक एक्सेट्रा तो हमारे आस पास कौन से अराउंड होते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं बच्चों दीज आर मार्केट मीन्स बाजार हम मार्केट में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें लेने हॉस्पिटल जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हम कहाँ जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन जहाँ हमें क्या है हमारे घर में कोई चोरी हो जाती है या कोई इशू हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं पुलिस स्टेशन पार्क हम लोग खेलने और घूमने कहाँ जाते हैं पार्क में जाते हैं स्कूल जहाँ हम पढ़ाई करते हैं पोस्ट ऑफिस जहाँ से हमें कोई पार्सल या लेटर भेजना होता है एंड बैंक मनी ट्रांसफर पैसों को निकालना और डालना कहाँ करते हैं बैंक में सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस अराउंड अस नेक्स्ट आवर नेबरहुड मीन्स द एरिया अराउंड आवर होम आवर मीन्स हमारा नेबरहुड मीन्स पड़ोसी नेबरहुड मीन्स क्या होता है पड़ोसी मीन्स मीन्स मतलब द एरिया अराउंड हमारे चारों तरफ का एरिया हमारे घर के चारों तरफ का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं नेबरहुड वह हमारा क्या है पड़ोसी है क्या है वह हमारा पड़ोसी आफ्टर नोइंग अबाउट द पीपल ऑफ आवर नेबरहुड लेट्स लर्न अबाउट द प्लेसेस ऑफ आवर नेबरहुड आफ्टर नोइंग नोइंग मीन्स जानना आफ्टर मीन्स के बाद जानने के बाद अबाउट मीन्स के बारे में द पीपल लोगों के आवर नेबर होड अब हमने ये जान लिया कि हमारे आसपास में जो लोग होते हैं या जो दुकानें होती है उसको हम क्या बोलते हैं नेबर होड लेट्स लर्न अबाउट आओ हम सीखते हैं अबाउट द प्लेसेज ऑफ आवर नेबर तब यह सब जान लिया हमने कि हमारे नेबर क्या होते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी जगह होती है और वहाँ पे क्या क्या मिलता है फर्स्ट लेट स्टार्ट मार्केट क्या है फर्स्ट मार्केट मार्केट मीन्स बाजार मार्केट मीन्स बाजार जहाँ पे बहुत सारी सब चीजें मिलती है अ मार्केट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन बाय डिफरेंट थिंग्स एक मार्केट प्लेस में जगह है फ्रॉम वेयर मीन्स जहाँ से वी कैन हम कर सकते हैं बाय मीन्स खरीदना बाय मीन्स क्या होता है खरीदना डिफरेंट थिंग्स अलग अलग प्रकार की चीजें हैं तो जब हम भी बाजार जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की चीजें लाते हैं ना जैसे किराने का सामान कपड़े पहनना मेडिसिन ये सब कहा लाते हैं मार्केट से लाते हैं देयर आर शॉप्स विच शेल इटेबल्स क्लोथ्स बुक्स स्टेशनरी फ्रूट्स एंड मैनी अदर थिंग्स तो बाजार में कौन कौन सी दुकानें होती है शॉप मीन्स दुकानें शेल मीन्स बेचना इटेबल मीन्स खाने से रिलेटेड जो भी सामान क्लोथ्स मीन्स क्लोथ मीन्स कपड़े क्लोथ मीन्स कपड़े बुक्स बुक्स किताबें किताबें फ्रूट फल मैनी अदर थिंग्स भी बहुत थिंग चीजें मार्केट में मिलती है सो व्हाट वी सीन इन दिस पिक्चर वी सीन इन दिस पिक्चर फर्स्ट पिक्चर इन दिस पिक्चर क्लोथ आ क्लोथ शॉप वन चिल्ड्रन परचेज आवर क्लोथ एक दुकान है कपड़े की जहां पे एक लड़की और उसकी मम्मी क्या लेने है उस लड़की के लिए कपड़े लेने आए हैं तो वैसे हम भी किसी दुकान पे जाते हैं कपड़े लेने हमारे लिए आप भी जाते हो हम भी जाते हैं व्हाट वी सीन इन दिस पिक्चर इस पिक्चर में कौन खड़ा है एक फ्रूट वाला है जो क्या कर रहा है फ्रूट को बेच रहा है मैंगो एप्पल एंड अ वन बॉय परचेज फ्रूट्स तो जब हम भी कोई फ्रूट लाते हैं तो किस दुकान पे जाते हैं फ्रूट्स लाने व्हाट वी सी इन दिस पिक्चर वी सीन इन दिस पिक्चर टॉय शॉप बच्चों के खिलौने की दुकान है यहाँ पे gun, टैक्सी बस ट्रक ये बच्चे के क्या है एरोप्लेन ये सब क्या है बच्चों के खिलौने तो जहाँ पे बच्चों के खिलौने मिलते हैं तो मार्केट में ये सब दुकानें होती है देखा है ना सबने मार्केट नेक्स्ट हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल को मीन्स अस्पताल हॉस्पिटल मीन्स क्या होता है अस्पताल जहां पे क्या होता है हमारी कोई बीमारी होती है हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहा दिखाने जाते हैं हॉस्पिटल सिख पीपल आर ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल सिख मीन्स बीमार सिक मीन्स बीमार बीमार लोग आर ट्रीटेड मीन्स इलाज करना ट्रीटेड मीन्स इलाज करना इन अ हॉस्पिटल तो बीमार लोगों का इलाज कहाँ होता है हॉस्पिटल में होता है ना हम भी बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं और कहाँ जाते हैं र डॉक्टर्स नर्सेज वार्ड बॉयज टू हेल्प द पेशेंट वहाँ पर क्या होते हैं डॉक्टर होते हैं बहुत सारे नर्सेज होती हैं वार्ड बॉय होते हैं हेल्प मीन्स सहायता करते हैं किसकी पेशेंट मीन्स मरीजों की जब हम भी बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में नर्स वार्ड बॉय डॉक्टर हमें टाइम टू टाइम चेकअप करने आते हैं हमें मेडिसिन देने आते हैं ना यस सो व्हाट वी सीन इन दिस पिक्चर

पुलिस स्टेशन में एक ऑफिस बना होता है जहां पे कौन बैठता है पुलिस मैन का जो ऑफिसर होता है मैन जो हेड होता है उस पुलिस स्टेशन का वो उस ऑफिस में बैठता है पुलिस मैन कीप सेफ एंड कैच द क्रिमिनल्स पुलिस मैन क्या करता है कीप मींस रखना कीप मींस रखना और सेफ मीन्स सुरक्षा करना सेफ मीन्स हमारी सुरक्षा करना कैच मीन्स पकड़ना कैच मीन्स क्या होता है पकड़ना द क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स मीन्स अपराधी को जो भी चोरी करता है डंडे मारता है या कुछ भी करता है अपराधी होता है उनको कौन पकड़ता है पुलिस पकड़ती है कौन पकड़ता है पुलिस पकड़ती है ओके सो हियर व्हाट वी सीन इन दिस पिक्चर इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको वी सीन इन दिस पिक्चर अ ऑफिस अ पुलिस स्टेशन वेयर अ पुलिस मैन एक पुलिस मैन बैठा है एंड अ वन पर्सन एक वन पर्सन क्या कर रहा है कंप्लेन करवाने आया है किसी की किसी क्रिमिनल को पकड़ने आया है क्या या, या पुलिस क्या है ये क्रिमिनल है अपराधी है इससे पूछताछ कर रहा है कि इसने क्या गलत काम किया जिसके लिए पुलिस इसको यहाँ पे पकड़ कर लाई है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है पार्क क्या है पार्क पार्क मीन्स खेलने की जगह जहाँ हम क्या करते हैं खेलते हैं खुली जगह जहाँ पे हम खेलते हैं अ पार्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड एक पार्क क्या है एसेंशियल मीन्स आवश्यक एसेंशियल मीन्स आवश्यक पार्ट मीन्स भाग तो हमारे पड़ोसी का एक महत्वपूर्ण आवश्यक भाग होता है कौन पार्क कौन होता है घूमना अ पार्क एक पार्क में टू गेट रिलैक्सड रिलैक्सड मींस आराम करना रिलैक्स मीन्स क्या होता है आराम करना वी विजिट अ पार्क टू गेट रिलैक्स हम पार्क में आराम करने के लिए पार्क में घूमने जाते हैं देयर आर मैनी ट्रीज फ्लावर्स एंड ऑल्सो अ जॉगिंग ट्रैक वहां पर क्या होते हैं मैनी बहुत सारे ट्रीज मीन्स पेड़ ट्रीज मीन्स क्या होता है पेड़ फ्लावर्स मीन्स फोर एंड आल्सो जॉगिंग ट्रैक जॉगिंग मीन्स घूमना गार्डन में पार्क में जहाँ पे बहुत खुली स्थान खुली जगह होती है वहां पे हम क्या करते हैं घूमने जाते हैं सुबह सुबह हम घूमने जाते हैं आप लोग भी जाते हो हम भी जाते हैं सब लोग कुछ लोग घूमने भी जाते हैं तो कहाँ पे पार्क में अ पार्क है स्विंग्स एंड स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन एक पार्क में क्या होता है स्विंग्स मींस झूले फिसलना फिसलना क्या होता है? For children. तो एक पार्क में बच्चों के लिए झूले होते हैं और फिसल पट्टी होती है जिसपे बच्चे क्या करते हैं के बार बार फिसलते हैं क्या करते हैं उसपे झूले खाते हैं और फिसलते हैं वी ऑल लव टू गो टू Park, all, हम सभी पार्क में जाना पसंद करते हैं हम सभी को पार्क में खेलना पसंद है पार्क में क्यों जाते हैं घूमने खेलने वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ट्रीज होते हैं फ्लावर्स होते हैं उनको देखने के लिए जाते हैं और बच्चे क्यों जाते हैं पार्क में क्योंकि वहां पे बहुत सारे वेरियस टाइप्स के स्विंग्स एंड फिसल पर्टीज होती है जिसको बच्चे खेल के एंजॉय करते हैं सो वॉट वी सीन इन दिस पिक्चर वी सीन इन दिस पिक्चर दिस पिक्चर शोज अ गार्डन एंड मैनी पीपल्स प्ले मैनी आर प्ले फुटबॉल बच्चे बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं वहां पे गार्डन में पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं बच्चों फुटबॉल खेल रहे हैं नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट क्या है पोस्ट ऑफिस क्या काम आता है पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस हमें कोई भी हमारा लेटर एक जगह से दूसरी जगह भेजना और कोई भी पार्सल होता है वो भी किसके थ्रू हम भेजते हैं और हमारे घर भी किसके थ्रू आता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू और वहाँ पे जो एक पोस्टमैन होता है वो हमारे घर तक उस लेटर को उस पार्सल को ला के पहुँचाता है हीयर पोस्टकार्ड्स एनवलप्स एंड स्टाम्प्स आर सॉल्ड वहाँ पे कहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड्स होते हैं एनवलप मीन्स

थ्रू के द्वारा बाय पोस्ट ऑफिस किसके थ्रू हम कोई भी लेटर को भेजते हैं और वहां से क्या करते हैं उस लेटर को प्राप्त करते हैं किसके द्वारा पोस्ट ऑफिस के द्वारा आफ्टर राइटिंग अ लेटर वी ड्रॉप इन इट द पोस्ट बॉक्स आफ्टर मीन्स के बाद, राइटिंग मीन्स लिखना राइटिंग मीन्स क्या होता है लिखना आ, लेटर तो हमने एक पत्र पे हमारी इंफॉर्मेशन सूचना जो भी है वो लिख के कहाँ पे डालते हैं पोस्ट बॉक्स में इट इज कलेक्टेड फ्रॉम दर बाय द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस कौन कलेक्ट करता है उसको कलेक्ट मीन्स एकत्रित करना कलेक्ट मींस एकत्रित करना फ्रॉम द एयर वहाँ से द स्टाफ जो पोस्ट ऑफिस का एक स्टाफ होता है वह स्टाफ कलेक्ट करता है कहाँ से पोस्ट ऑफिस से जहाँ एक जगह से दूसरी जगह में भेजना होता है तो पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करेंगे कौन करता है पोस्टमैन ऑल लेटर्स आर सॉर्टेड इन द ऑल लेटर्स आर शॉर्टेड इन द पोस्ट ऑफिस उन सभी पत्रों को कहाँ भेजते हैं पोस्ट ऑफिस में एंड सेंड टू डिफरेंट प्लेस सेंड मीन्स भेजते हैं डिफरेंट मीन्स अलग अलग डिफरेंट मीन्स अलग अलग जगह पर द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स टू हाउसेज एंड ऑफिस तो वह पोस्टमैन क्या करता है डिलीवर मींस भेजता है किसको पत्रों को किसके घर पे जिसके घर पे पहुंचाना होता है हमें भेजना होता है उनके घरों में और ऑफिस में सो हियर व्हाट सीन इन दिस पिक्चर आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों इस पिक्चर में इन दिस पिक्चर शो पोस्ट ऑफिस ये क्या है पोस्ट ऑफिस है पत्र लिखकर यहाँ पे इस पत्र में इसमें डालते हैं और यहाँ से अदर सिटीज में वापस पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करता है कौन पोस्टमैन और ये पोस्टमैन यहाँ से पोस्ट, पोस्ट कार्ड या एनवलअप लेटर जो भी पार्सल्स होता है उसको लेके जिसके घर पे भेजना होता है जिसके ऑफिस में भेजना होता है वहां तक पहुंचाता है ओके नेक्स्ट बैंक नेक्स्ट क्या है बैंक आ बैंक इज एन ऑफिस वेयर वी कैन डिपॉजिट आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफली एक बैंक एक ऑफिस एन ऑफिस एक ऑफिस होता है वेयर मीन्स जहा वी कैन डिपॉजिट डिपॉजिट मीन्स जमा कराना डिपॉजिट मीन्स जमा कराना आवर मनी हमारे पैसों को एंड ज्वेलरी मीन्स ज्वेलरी मीन्स क्या होता है जो हम ज्वेलरी पहनते हैं सेफली तो बैंक क्या होता है बैंक एक ऐसी जगह होती है एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे हम हमारे पैसों को जमा करते हैं और हमारे ज्वेलरी मीन्स गहने ज्वेलरी मीन्स गहने जो भी हमारे घर में मम्मी चाची भाभी जो भी पहनते हैं उसे कहते हैं ज्वेलरी वी कैन विद्रो आवर मनी वैन एवर नीडेड वी कैन हम कर सकते हैं विदड्रो मीन्स निकालना विदड्रो मीन्स निकालना आवर मनी हमारे पैसों को वैन एवर नीडेड मीन्स जब भी इसे ज़रूरत होती है तो हम बैंक क्या होती है बैंक एक वह जगह होती है जहाँ पे हम हमारे जब जरूरत होती है पैसों को तब जमा करा सकते हैं और निकाल सकते हैं ओके

वर्शिप मीन्स क्या होता है पूजा करना वर्षिप मीन्स पूजा करना इन आवर नेबरहुड मीन्स हमारे पड़ोस में ऐसे और भी बहुत जगह होती है जहाँ हम पूजा करते हैं लाइक एस टेम्पल चर्च गुरुद्वारा होते ना होते हैं कि नहीं होते हम लोग पूजा कहाँ करने जाते हैं मंदिर में कहां करने जाते हैं मंदिर में कंप्लीट दायर नेम्स अब यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखी हैं, उनको देख के बताना है कि यह कौन सी जगह है कंप्लीट मीन्स पूरा करना कंप्लीट मीन्स पूरा करना दर नेम उनके नेम को सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पिक्चर व्हाट वी सीन इन दिस पिक्चर आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में ये क्या है एक मंदिर है क्या होता है ये एक मंदिर हम लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने भगवान के पूजा करने जाते हैं ना गो टू टेम्पल वशिप हम मंदिर जाते हैं पूजा करने सो हियर वॉट व्यू व्हाट व्यू सो हियर वी राइट टेम्पल टी ई एम पी एल इ टेम्पल मीन्स मंदिर टेम्पल मीन्स क्या होता है मंदिर नेक्स्ट व्हाट वी सीन इन दिस पिक्चर इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों ये क्या है मुस्लिम जो सिख लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं सिख लोग चर्च में जाते हैं पूजा करने सबका अलग अलग होता है दर्शन करने के लिए क्योंकि सबके भगवान अलग अलग होते हैं अलग अलग मानते हैं तो ये क्या है चर्च सो वी राइट चर्च वॉट स्पेल ऑफ चर्च सी एच यू आर सी एच चर्च चर्च में कौन जाता है पूजा करने सिख लोग जाते हैं कौन जाते हैं सिख कौन जाता है सिख सो नेक्स्ट वॉट वी सीन इन दिस पिक्चर इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों ये क्या है मॉस्क्यू जो कहा जाते हैं ये एक मॉस्क्यू नाम की जगह होती है जहां पे ईसाई लोग जाते हैं कौन जाते हैं ईसाई तो यहाँ क्या लिखेंगे हम मॉस्क्यू वॉट स्पेल ऑफ मॉस्क्यू M O S Q U E mosque next in this picture what we see in क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में बच्चों इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है यह एक गुरुद्वारा है क्या है गुरुद्वारा जहाँ हम भी दर्शन करने जाते हैं सो हियर वी राइट गुरुद्वारा व्हाट इज स्पेल ऑफ गुरुद्वारा जी यू आर यू डी डब्ल्यू ए आर ए गुरुद्वारा ओके नेक्स्ट हियर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड एंड हियर दिस टाइम इज आवर एक्टिविटी टाइम लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन राइट ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स राइट मीन लिखना है जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए ट्रू एंड जो गलत है उसके लिए एफ फर्स्ट वी गो टू अ पोस्ट ऑफिस फॉर बाइंग फ्रूट्स हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं क्या खरीदने फ्रूट्स को खरीदने तो क्या हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं फ्रूट को खरीदने नो हियर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग

There are swings and slides for children in a park. वहाँ पे झूले swings means झूले slides means, means फिसल पट्टी बच्चों के लिए park में क्या होते हैं बच्चों के लिए झूले और फिसल पट्टी होती है Yes, this statement is correct. And here we write T for true. Next, envelopes and stamps are sold in a post office. Envelope means lifafi. Stamps are sold means biche jate. Post office mein Yes, this statement is correct. And here we write true. Next question: match the columns. Match the columns first. कीप आवर मनी सेफली कीप मींस रखना आवर मनी हमारे पैसों को सुरक्षित कौन रखता है हम कहा रखते हैं बैंक में कहा रखते हैं बैंक में नेक्स्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस डॉक्टर और नर्स कहाँ होती है हॉस्पिटल में कहा होती है हॉस्पिटल में नेक्स्ट द एरिया अराउंड आवर हाउस हमारे घर के आसपास जो भी एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं नेबरहुड क्या कहते हैं उसको हम नेबरहुड मीन्स पड़ोसी नेक्स्ट कैन बाई वेरियस थिंग्स वेरियस मीन्स अलग अलग प्रकार की चीजें खरीद सकते हैं कहाँ से बाय वेरियस थिंग्स करेक्ट बाबर है बाई मार्केट कहाँ से खरीदते हैं हम अलग अलग प्रकार की चीजें मार्केट से इसको हियर आवर बी पार्ट इज कम्प्लीटेड नेक्स्ट टू सेंटेंसेज आर गिवन हेयर नीचे दो वाक्य दे रखे हैं दो सेंटेंस दे रखे हैं टिक थ्री द राइट सजेशन टिक करना है थ्री पे राइट सजेशन हो एंड वॉ विच यू शुड फॉलो एंड क्रॉस द रोंग वन नीचे जो भी राइट सजेशन है उसको फॉलो करना है एंड क्रॉस द रोंग वन उस पर क्या लिखना है क्रॉस करना है ओके यस Start. We should not take anything, including eatables, from strangers. We should never follow them. We means हम should means चाहिए not take लेना नहीं चाहिए anything कोई भी चीज उसमें शामिल क्या include means शामिल eatable means खाने से related जो चीजें होती है from stranger Stranger means बिना जान पहचान बिना जान पहचान के तो हमें किसी से भी कोई बिना जान पहचान जिसको हम जानते नहीं है उससे कोई भी खाने की चीज़ लेनी चाहिए नो एंड वी शुड नेवर फॉलो देम और हमें उसको क्या नहीं करना चाहिए उसका पीछा नहीं करना चाहिए फॉलो मीन्स पीछा करना नेवर मीन्स कभी नहीं तो हमें उनका कभी पीछा नहीं करना चाहिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट सो हियर टिक करेक्ट नेक्स्ट वी शुड बी काइंड एंड कर्टियस टू आवर नेबर्स वी शुड हमें करना चाहिए बी काइंड दयालु होना चाहिए एंड कर्टियस मीन्स झगड़ा नहीं करना हमारे पड़ोसियों से तो हमें यह सब करना चाहिए यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देने यू गो इफ यू विश टू बाय स्कूल बैग लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल वेयर मीन्स कहा वुड यू गो जाते हो इफ यूर विश आपकी इच्छा है बाय मीन्स खरीदना क्या खरीदना एक स्कूल बैग लंच बॉक्स और वाटर बॉटल तो यदि आपकी इच्छा है कि आपको स्कूल बैग खरीदना है लंच बॉक्स खरीदना है और वाटर बॉटल खरीदनी है तो आप कहाँ जाओगे ये सब चीज खरीदने आई गो टू मार्केट कहाँ जाएंगे हम मार्केट कहाँ जाएंगे मार्केट हियर वी राइट मार्केट वॉट स्पेल ऑफ मार्केट एम ए आर के ई टी ओके नेक्स्ट Write names of your friends who live in your neighborhood. Write means likhna लिखना name means naam नाम दो दो ke के नाम लिखने हैं जो आ लिव मीन्स रहते हैं योर नेबरह हुड आपके पड़ोस में रहते हैं तो आपके पड़ोस में आपके दो फ्रेंड के नाम लिखने हैं जो भी सभी को यह क्वेश्चन अपने अपने अकॉर्डिंग करना है क्योंकि मुझे क्या पता आप लोगों के पड़ोस में कौन से आपके फ्रेंड रहते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट कलर द गिवन पिक्चर ऑफ अ पार्क विद पेंसिल कलर्स और कैरियो तो कलर करना है नीचे को एक पिक्चर दे रखी है उसमें गार्डन दे रखा है उसमें पेंसिल कलर से उसको कलर करना है ओके यहाँ पे गार्डन कैसा कलर का होता है ट्री कैसा कलर का होता है ब्राउन और गार्डन की लीव्स कैसी होती है ग्रीन तो यहाँ पे आपको क्या करना है अपने अकॉर्डिंग कलर फिलअप करना है ओके स्टूडेंट्स Here, our chapter and activity part is completed. So, to do, learn and fill your notebook about uh, help this video. Thank you.